हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो आपने देखा होगा कि आईफोन पे जब आप अपने स्लो मोशन वीडियो बनाते हैं तो उसको आपने नॉर्मल विंडो बेस लैपटॉप पे या अपने डेस्कटॉप पे कैसे उसको ट्रांसफ़र करना है। तो आज इसी के बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा और पूरा प्रोसेस से समझाऊंगा आपको कि कैसे उसको आपने स्लो मोशन वीडियो को जो है ट्रांसफ़र करना है विंडो में। बिकॉज स्लो मोशन वीडियो जो है डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं होती है, आपको उसके लिए एक टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी जो मैं इस वीडियो के दौरान मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि किस तरीके से आपने इसको ट्रांसफ़र करना है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नरेश ठाकुर एंड यू आर वॉचिंग यूट्यूब चैनल कुछ भी। तो फ्रेंड्स, जैसे आप जानते हैं कि स्लो मोशन वीडियो का अपना ही एक ग्रेस है और अगर आप कई जगह में आप इस तरह के स्लो मोशन वीडियो यूज़ करते हैं तो उसमें एक बड़ा एक सिनेमेटिक जो है एक उसमें आप कहीं भी किसी भी बैकग्राउंड में लगा सकते हैं अपने वीडियो में, तो एक बहुत अच्छा उस पर गेटअप आता है और बहुत अच्छा एक उस वीडियो में एक बहुत अच्छी जो है ग्रेस आती है स्लो मोशन से। तो स्लो मोशन का एक बहुत बड़ा अहम रोल है। तो अब दिक्कत ये आती है कि स्लो मोशन वीडियो को जो है विंडो पे अगर आपने मान लीजिए आप कोई विंडो पे कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैं जो है ये अपना फिल्मोरा यूज़ करता हूँ, तो आपने इसको विंडो पे कैसे ट्रांसफ़र करना है। बिकॉज़ क्या क्या है कि आईफोन में जब भी कोई आप स्लो मोशन वीडियो बनाते हैं तो वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है, उसके लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करने पड़ेंगे। जैसे अगर आपने कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ किया है तो तब आपको वो ट्रांसफ़र हो पाएगा, अदरवाइज ऐसे डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं होगा वो। अगर आप ये चाहोगे कि मेरी स्लो मोशन वीडियो जो है आईफोन में बन गई है और मैं इसको सीधा ही वहाँ कॉपी करके अपना लैपटॉप पे ट्रांसफ़र कर दूँ तो ऐसा नहीं हो पाएगा, उसके लिए आपको एक टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी जिसमें आईफोन में ही एक सॉफ्टवेयर होता है आई मूवी करके। तो आप आई मूवी सॉफ्टवेयर यूज़ करके जो है पहले आपको उस स्लो मोशन वीडियो को जो है आई मूवी में डालना पड़ेगा। आई मूवी के बाद आपका वो स्लो मोशन वीडियो जो है ट्रांसफ़र हो पाएगा। तो मैं आपको ये पूरा प्रोसेस जो है अपने टैब पे या आईफोन पे ऊपर दिखाता हूँ। तो आइए देखते हैं कि ये किस तरीके से जो है इस प्रोसेस को पूरा किया जाए और मैं स्टेप बाय स्टेप जो है आपको ये पूरा जो है प्रोसेस समझाता हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको अपने लैपटॉप की अपने आईपैड की स्क्रीन के ऊपर ये पूरा प्रोसेस समझाता हूँ कि किस तरीके से जो है आप स्लो मोशन वीडियो को जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये था वो आई मूवी सॉफ्टवेयर जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि ये इसके थ्रू ही आपका हमारा जो स्लो मोशन वीडियो जो है उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आपने इसको ओपन कर देना है। जैसे ही आप ओपन करोगे तो ये मैंने एक ऑलरेडी यहाँ पहले डाला हुआ था, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सो दैट आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो अब ये आप देखेंगे यहाँ पे ये एक प्लस का निशान है और नीचे लिखा है क्रिएट प्रोजेक्ट, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ दो ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे, वन इज़ मूवी एंड सेकेंड इज़ ट्रेलर। तो आपने मूवी के ऊपर क्लिक करना है। मूवी के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो जहाँ गैलरी में आपने वो स्लो मोशन वीडियो रखा है, तो ये जैसे मैंने आपके रेफरेंस के लिए एक स्लो मोशन वीडियो रखा था, तो आपने इसको ओपन कर देना और यहाँ पे ये क्रिएट मूवी ऐसा ऑप्शन आपके आई मोबाइल में भी आएगा, तो आपने इस पे यहाँ पे क्रिएट मूवी कर देना है। तो ये आपका जो है ऐड हो गया, ये मीडिया आपका ऐड हो गया। अब इसको मैं चला के भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो आप ये देखिए स्लो मोशन वीडियो आपका प्रॉपरली काम कर रहा है। यहाँ पे ऊपर वाली स्क्रीन में आप देखिए, नीचे तो टाइमलाइन है, वहाँ पे तो आपको लग रहा है कि फास्ट है, लेकिन यहाँ पूरा जो है स्लो मोशन वीडियो आपका रन कर रहा है। तो बस दैट्स इट, इतना ही प्रोसेस है। आपने इसको स्टॉप कर दीजिए और ये डन बटन है, आपने इसको यहाँ पे डन कर देना है। डन करने के बाद आपने ये यहाँ पे आपसे नेम पूछेगा कि अगर आपने इस वीडियो का कोई नेम देना है तो जैसे मैं डाल देता हूँ स्लो मो वीडियो, मैंने नाम डाल दिया ताकि मेरे रेफरेंस के लिए मुझे कन्फ्यूज़न ना हो, और डन कर दीजिए। तो ये आपका यहाँ सेव हो गया। आप यहाँ से ये बटन है, इससे आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी चीज़ को कहीं पे इसको भेजना है वहाँ पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नहीं है तो आपका ये यहाँ पे सेव हो चुका है और बस इतना ही प्रोसेस है। फिर आपने यहाँ से अपना जो है इसको प्लग कर देना है अपने विंडो लैपटॉप में और वहाँ से जो है आपने इसको ट्रांसफ़र कर देना है इस वीडियो को, सो दैट ये वीडियो जो है पूरा वहाँ एज इट इज़ आपका स्लो मोशन काम करेगा। तो यही प्रोसेस था, ये बहुत छोटा सा प्रोसेस था जिसके मुझे लगता है कि आपको ये समझ आ गया होगा। नहीं है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में पूछ सकते हैं कि अगर आपकी कोई आपको समझ नहीं आई ये चीज़ तो आप उसके थ्रू भी मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको सारा उस पर समझा दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये था वो पूरा कंप्लीट प्रोसेस जिसके थ्रू जो है आपने देखा इस वीडियो में कि किस तरीके से जो है आपने आईफोन से अपने वीडियो को स्लो मोशन वीडियो को जो है अपने
अपने लैपटॉप पे, विंडो बेस्ड लैपटॉप पे आपने कैसे ट्रांसफ़र किया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आप अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ जो हैं आप तक बिना किसी रोक टोक के पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।